हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हमारे पहले वीडियो में हमने देखा था हार्ट बीट क्या होता है। तो हार्ट बीट क्या होता है? नॉर्मली वो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है। हार्ट में जो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसको हम कंबाइनली क्या बोलेंगे? हार्ट बीट बोलेंगे। तो हार्ट बीट में क्या होता है? एक कॉन्ट्रेक्शन फेज़ होता है और एक रिलैक्सेशन फेज़ होता है। तो कॉन्ट्रेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल बोलेंगे। और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलेंगे? डायस्टोल बोलेंगे। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को लेके कंस्टिट्यूट होता है हमारा हार्ट बीट। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट जो है वो कैसे रेगुलेटेड होता है? तो ये जो हार्ट बीट है दैट इज़ रेगुलेटेड बाय टू मैकेनिज्म्स। पहला मैकेनिज्म है न्यूरल मैकेनिज्म। तो न्यूरल कनेक्शन हमेशा क्या किसके साथ होता है? नर्व के साथ होता है। तो नर्व्स के थ्रू जो कंट्रोल होगा रेगुलेशन, उसे हम बोलेंगे न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। और दूसरा जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल होता है, या फिर हम कह सकते हैं रेगुलेट होता है, तो वो मैकेनिज्म है हमारा हार्मोनल मैकेनिज्म। तो ये दोनों मैकेनिज्म्स, बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स के थ्रू क्या होता है? हमारा हार्ट बीट जो होता है वो रेगुलेट होता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन। सो नर्व इम्पल्सेस कैसे हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं? तो हमारा जो कार्डियक सेंटर है, मीन्स व्हाट, जो हमारा हार्ट बीट को, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को जो रेगुलेट करता है, तो वो जो हमारा कार्डियक सेंटर है वो प्रेजेंट होता है मेड्यूला ओब्लांगाटा में। तो मेड्यूला ओब्लांगाटा ब्रेन का एक पार्ट है जहाँ पे क्या होता है? हमारा कार्डियक सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। तो ये जो कार्डियक सेंटर होता है वहाँ पे क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज़ द कार्डियो इनहिबिटर, और दूसरा जो पार्ट है वो है कार्डियो एक्सेलरेटर। तो इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? ये हमेशा इनहिबिट करता है, मीन्स व्हाट, ये क्या करेगा? हमेशा हार्ट बीट को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एंड कार्डियो एक्सेलरेटर क्या है? ये हमेशा इंक्रीज करेगा। किसको इंक्रीज करेगा? हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा। तो हमारा जो कार्डियक सेंटर होता है वो दो पार्ट्स को लेकर होता है। पहला जो है दैट इज द कार्डियो इनहिबिटर, और दूसरा जो है वो है कार्डियो एक्सेलरेटर। तो कार्डियो इनहिबिटर क्या करेगा? हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा, और कार्डियो एक्सेलरेटर क्या करेगा? हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा। तो इनका कनेक्शन कैसे होता है हार्ट के साथ? तो ये जो कार्डियो इनहिबिटर होता है ये हार्ट के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू वेगस नर्व। वेगस नर्व एक वन टाइप ऑफ पैरासिम्पेथेटिक नर्व है। तो उस नर्व के थ्रू क्या होता है? ये हार्ट जो होता है वो कनेक्टेड होता है कार्डियो इनहिबिटर के साथ। और कार्डियो एक्सेलरेटर जो होता है वो कनेक्टेड होता है थ्रू द हार्ट विद द हेल्प ऑफ सिम्पेथेटिक नर्व। तो यहाँ पर मैंने ये जो वेगस नर्व बोला है ये वन टाइप ऑफ पैरासिम्पेथेटिक नर्व है। तो इसका कनेक्शन होता है कार्डियो इनहिबिटर के साथ, और अपना जो कार्डियो एक्सेलरेटर होता है वो हार्ट के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू अ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, जिसके थ्रू क्या होता है? इम्पल्सेस का एक्सचेंज होता है, और हार्ट बीट का जो क्या होता है यहाँ पे रेगुलेशन होता है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म कैसे होता कैसे है, मीन्स व्हाट, हमें पता है कि कार्डियो इनहिबिटर जो है वो इनहिबिट करेगा, कार्डियो एक्सेलरेटर जो है वो मतलब उसको इंक्रीज करेगा हार्ट बीट को, लेकिन ये स्टिमुलस जाता किसके थ्रू है और होता कैसे है? तो हमारा जो क्या होता है, जो सुपेरियर वेना कावा, हमारा जो सिस्टमिक एओर्टा था, जो हमारा कैरोटिड आर्टरी थे, डिफरेंट वेंस जो कनेक्टेड थे थ्रू हार्ट, वहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट सेंसरी फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो सेंसोरी फाइबर्स का काम क्या क्या होता है? वो हमेशा सेंसेशन को कैरी करते हैं। वो रिसेप्टर से क्या करेंगे? वो फंक्शनल पार्ट को वो ट्रांसफ़र करते हैं सेंटर को, जहाँ से क्या होता है इम्पल्सेस का एक्शन, वो फिर नेक्स्ट आएगा मोटर फाइबर्स के थ्रू, फिर रिसेप्टर ऑर्गन्स में। उसका मैकेनिज्म अलग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सुपेरियर वेना कावा है, एओर्टा जो है, कैरोटिड आर्टरी जो है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसोरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो सुपेरियर वेना कावा होता है, वो सुपेरियर वेना कावा से क्या होता है, कार्डियक सेंटर को सेंसेशन जाता है, जो कि क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। मीन्स व्हाट, सुपेरियर वेना कावा से कुछ भी अगर सेंसेशन कार्डियक सेंटर को जाएगा, दैट मीन्स कार्डियक सेंटर क्या करेगा? हार्ट बीट को वो इंक्रीज कर देगा। तो सुपेरियर वेना कावा का स्टिमुलस का कनेक्शन होता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ हार्ट रेट के साथ। और हमारा जो एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी जो है हार्ट में जो प्रेजेंट है, वहाँ पे जो सेंसोरी फाइबर्स प्रेजेंट है, अगर उनके थ्रू स्टिमुलस जाएगा कार्डियक सेंटर को, तो कार्डियक सेंटर क्या करेगा? वो हार्ट रेट को वो डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे एक बात हमें याद रखना है
कि अगर स्टिमुलस सुपेरियर वेना कवा से जाएगा दैट मीन्स वहाँ पे हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज करेगा, अगर स्टिमुलस एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी के थ्रू अगर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हार्ट रेट जो है हमारा डिक्रीज करेगा। द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स द हार्ट बीट, मीन्स वॉट, हमारा जो हार्मोनल रेगुलेशन है जो कि क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो ये जो हार्मोनल्स रेगुलेशन है ये कैसे हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पे क्या है, दो हार्मोन्स का नाम मैंने लिया है। फर्स्ट वन इज़ द एड्रिनलिन व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन, और दूसरा जो हार्मोन है वो है नॉर एड्रिनलिन व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन दो हार्मोन्स हैं जो कि क्या होता है, हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड। तो उस एड्रिनल ग्लैंड का जो मेड्यूलर पार्ट होता है वहाँ से ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो एड्रिनालिन को हमेशा एमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ये दोनों हार्मोन्स का काम एक ही है, ये दोनों हार्मोन्स क्या करेंगे, हार्ट बीट को ये इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये जो डिफरेंट कंडीशंस में इंक्रीज करेंगे उसी की बेसिस पे क्या होगा, ये दोनों का फंक्शनिंग डिफरेंट होगा। तो एड्रिनालिन क्या करता है, ये हमेशा हार्ट बीट को इंक्रीज करता है इन केस ऑफ एमरजेंसी। कुछ भी एमरजेंसी केस में क्या होगा, जैसे कि हम कुछ सांप देख लिए या फिर हम घबरा जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट हम देख लेते हैं या फिर कुछ डरावनी चीज़ें, कोई घोस्ट की बातें, कोई हॉरर मूवी हम देखते हैं, मीन्स व्हाट, उन सब केसेस में क्या होगा, हमारा जो हार्ट बीट जो होता है वो जो इंक्रीज होता है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एड्रिनलिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, एमरजेंसी केसेस में हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। और जो नॉर एड्रिनलिन है वो क्या करेगा, वो नॉर्मल कंडीशन में हमारे हार्ट बीट को वो इंक्रीज कर देगा। दैट मीन्स व्हाट, एमरजेंसी केसेस में नहीं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा हार्ट बीट जो इंक्रीज होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, और इमरजेंसी केसेस में जब भी हमारा हार्ट बीट इंक्रीज करेगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ एड्रिनलिन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कार्डियक साइकिल। कार्डियक वर्ड हमेशा क्या होता है, हार्ट के साथ रिलेटेड होता है। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, ये एक हार्ट बीट को लेके कॉन्स्टिट्यूट होता है, और हार्ट बीट क्या होता है, वो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है। तो ओवरली देखा जाए तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक साइकिल कॉन्सिस्ट्स ऑफ वन कॉन्ट्रेक्शन फेज एंड वन रिलैक्सेशन फेज। सो दैट कॉन्ट्रेक्शन फेज इज कॉल्ड एज सिस्टोल एंड दैट रिलैक्सेशन फेज इज कॉल्ड एज डायस्टोल। तो ये एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को लेके कॉन्स्टिट्यूट होता है हमारा कार्डियक साइकिल। तो एक फेज ऐसा भी होता है जहाँ पे क्या होता है, हमारे जो दोनों ऑरिकल्स होते हैं वो दोनों ही रिलैक्सेशन फेज में होते हैं, मीन्स व्हाट, जो राइट ऑरिकल है वो भी रिलैक्स करता है और जो हमारा वेंट्रिकल जो है वो भी रिलैक्स करता है। तो राइट ऑरिकल्स में क्या होगा, थ्रू सुपेरियर वेना कावा इन्फेरियर वेना कावा हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा इनसाइड द राइट ऑरिकल, और उसी समय में क्या होगा, हमारा जो वेंट्रिकल्स भी है वो भी रिलैक्स करता होगा थ्रू पोरिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल्स इनसाइड द वेंट्रिकल्स। तो एक फेज ऐसा आता है जहाँ पे दोनों क्या होते हैं, रिलैक्सेशन फेज में प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। तो बोथ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्सेशन फेज में होंगे, जिसकी वजह से हम उस फेज को क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल। सो कार्डियक साइकिल क्या होता है, वो एक रिलैक्सेशन और एक अपना कॉन्ट्रेक्शन फेज को लेके कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है वो है 0.8 सेकेंड, मीन्स व्हाट, वन कार्डियक साइकिल जो लास्ट करता है कितना सेकेंड्स तक, 0.8 सेकेंड तक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और नीट में भी आ चुके हैं। तो वन कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड। तो इसके जो डिफरेंट स्टेजेस है क्या है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि ऑरिकल्स में क्या होता है, राइट ऑरिकल में थ्रू सुपेरियर वेना कावा थ्रू इन्फेरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे ऑरिकल्स के अंदर, और लेफ्ट ऑरिकल में क्या होगा, लंग से आएगा अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों ऑरिकल्स में क्या होगा, ब्लड फुलफिल होने के बाद फिर वहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होगा। वहाँ पर जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो दोनों ऑरिकल्स से अपने अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में ब्लड का फ्लो होगा, फिर दोनों वेंट्रिकल्स में जब ब्लड
कम्प्लीटली फुलफिल हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स को फॉर प्योरिफिकेशन और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा थ्रू आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो मैकेनिज्म क्या था ये मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, जो वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम एस ए नोड। एस ए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनो एट्रियल नोड। तो साइनो एट्रियल नोड से क्या होगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा। तो जब क्या होगा, पहले तो हमारा जो राइट ऑरिकल है वहाँ पे सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फेरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल्स के अंदर। देन राइट ऑरिकल में जब ब्लड फुलफिल हो जाएगा तो साइनो एट्रियल नोड में क्या होगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा। तो जब वहाँ पे वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा तो राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ से क्या होगा, थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व जो हमारा प्रेजेंट था इनसाइड द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, उसके थ्रू क्या होगा, ब्लड जो है वो ऑरिकल से आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। और वहाँ पे क्या होगा, सडनली जैसे ही ब्लड फ्लो हो जाएगा ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर, तो वो जो राइट ट्राइकस्पिड वाल्व जो था वो फटाक से वहाँ पे बंद हो जाएगा। तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वन टाइप ऑफ साउंड वो प्रोड्यूस करेगा जिसे हम बोलते हैं फट हार्ट साउंड। मीन्स वॉट, वहाँ पे हमारा जो पहला जो साउंड है हार्ट बीट का वो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बाय क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो है हमारा वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऐसे नोड से स्टार्ट होने के बाद वो क्या होगा, थ्रू एवी नोड। एवी नोड के बारे में भी मैंने बताया था। तो एवी नोड जो होता है वो क्या होता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर के पास में प्रेजेंट होता है। तो वो उस वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद वो थ्रू बंडल ऑफ हिज क्या करेगा, थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर वॉल वो उस वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को वो स्प्रेड अप करेगा। तो आफ्टर ऑरिक्युलर सिस्टोल वहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो कॉन्ट्रेक्शन होगा वो किसका होगा, वेंट्रिकल्स का वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन होगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स को थ्रू पल्मोनरी एओर्टा, जहाँ से वो क्या होगा, हमारा जो लंग्स में क्या होगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा। एंड आफ्टर प्योरिफिकेशन फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल को, एंड फ्रॉम दैट लेफ्ट ऑरिकल अगेन ब्लड क्या जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ पे भी सिमिलर केस है जैसे हमारे राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में हो रहा था। थ्रू बाइकस्पिड वाल्व क्या होगा, यहाँ पे वो जो ऑरिकल से क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व भी क्या होगा, वहाँ पे इमिडिएटली क्लोज अप हो जाएगा। तो वो भी जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स व्हाट, द साउंड दो आर प्रोड्यूस्ड बाय बोथ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दोनों एट ए टाइम होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ब्लड आएगा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल को जाएगा, उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा। ये दोनों का फंक्शनिंग साइमल्टेनियसली होता रहेगा, इधर राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा, उधर लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आएगा, इधर राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, उधर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, फिर बोथ वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होके अपने अपने रेस्पेक्टिव पोजिशंस में वो ब्लड का सर्कुलेशन करेंगे। तो जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज अप हो रहा था, वैसे ही सिमिलरली क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व भी जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो वो भी वही फर्स्ट साउंड हार्ट साउंड जो है वो वही प्रोड्यूस कर रहा था। तो बोथ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे उसे हम बोलेंगे फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ ऑरिकल से रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स को ब्लड जाएगा, देन वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट होने के बाद क्या करेगा, हमारे राइट वेंट्रिकल से जाएगा ब्लड लंग्स को एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू सिस्टमिक एओर्टा हो जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि जो सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है जिनका कनेक्शन होता है बोथ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, तो वहाँ पे भी क्या होता है, उनके ओपनिंग में भी टू टाइप्स ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था, जो कि क्या है, एक है हमारा एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व और एक है हमारा पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। तो पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व जो है वो ओपनिंग में किसके ओपनिंग में प्रेजेंट होता है, वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टेरी के बीच में जो ओपनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा पल्मोनरी सेमिनुलर वाल्व। सिमिलरली क्या होगा, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो कनेक्शन है सिस्टमिक एओर्टा के साथ, तो वहाँ के उनके ओपनिंग में जो प्रेजेंट होगा वाल्व उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सेमिनुलर वाल्व। तो ये दोनों क्या होंगे, ये भी क्या करेंगे, अपने अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल से जब ये ब्लड का सर्कुलेशन करेंगे तो इमिडिएटली वहाँ पे क्या होगा, जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो ये दोनों वाल्व भी वहाँ पे क्या करेंगे,
क्लोज कर जाएंगे, तो वो प्रोड्यूस करेंगे हमारा सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट बीट। तो यहाँ पे हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ हार्ट बीट का साउंड होता है, पहला तो होता है बाय क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, और दूसरा जो होता है वो होता है बाय क्लोजिंग ऑफ एओर्टिक सेमिनोलर वाल्व एंड पल्मोनरी सेमिनोलर वाल्व। तो ये जो हमारा टोटल जो कार्डियक साइकिल है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है हमारा 0.8 सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीट कार्डियक डायस्टोल मीन्स व्हाट, हमारा जो डायस्टोल मीन्स व्हाट रिलैक्सेशन फेज जो है टोटल कार्डियक साइकिल का, उसका टाइम ड्यूरेशन है हमारा 0.4 सेकेंड। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीट कार्डियक डायस्टोल है मीन्स, और डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्सेशन फेज, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 0.4 सेकेंड। हमारा जो आर्टेरियल सिस्टोल है मीन्स ऑरिकल्स में जो हमारा कॉन्ट्रेक्शन होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 0.1 सेकेंड। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स और वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है हमारा उसका जो टाइम पीरियड है वो है 0.3 सेकेंड। इन सब का जब हम टोटल ले जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा 0.8 सेकेंड। तो ये जो 0.8 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है ये कंस्टिट्यूट करता है हमारा 1 कार्डियक साइकिल। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट। मीन्स व्हाट, पर मिनट हमारे हार्ट से जितना भी ब्लड पंपिंग होगा टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसे हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। तो हमें पता है कि एक एडल्ट ह्यूमन बींग में क्या होता है, जो हार्ट का जो बीटिंग होता है वो होता है 72 पर मिनट। तो हार्ट क्या करता है पर पंपिंग, वो क्या करता है 70 ml ऑफ ब्लड वो पंपिंग करता है। मीन्स व्हाट, पर बीट 72 टाइम्स बीटिंग करता है हमारा हार्ट पर मिनट, लेकिन वो एट अ टाइम क्या करता है 70 ml ऑफ ब्लड वो पंपिंग करता है। तो उसका जब हम कार्डियक आउटपुट टोटल हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 × 72। मीन्स व्हाट, 72 टाइम्स पर मिनट बीटिंग करेगा, 70 ml ऑफ ब्लड पर बीट वो पंपिंग करेगा, और हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट। तो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन जब हम ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 70 × 72 = 5040, दैट मीन्स 540 ml पर मिनट, जो कि है हमारा कार्डियक आउटपुट। अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट मन में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। थैंक यू।